नमस्कार दोस्तों, अगर आपके पास ही सैमसंग गैलेक्सी A52 या फिर A72 है तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं उसके नेविगेशन के बारे में। दोस्तों आपने देखा होगा ये डिस्प्ले पर आप देख सकते हो साइड में कि दोस्तों ये जो नेविगेशन की होती हैं दोस्तों ये काफ़ी पुरानी टाइप की हैं जो दोस्तों हमें सैमसंग के मिड रेंज फ़ोन में देखने को मिलती हैं। दोस्तों आप इन्हें कैसे चेंज कर सकते हो, कैसे दोस्तों आप अपने फ़ोन को प्रीमियम लुक दे सकते हो इस नेविगेशन बार को चेंज करके। दोस्तों मैं आपको यही दिखाने वाला हूं जिसमें दोस्तों अब कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करनी, आपको सारी सेटिंग अपने मोबाइल के अंदर करनी है और आपके दोस्तों ये फ़ोन के जो नेविगेशन के बार होते हैं वो दोस्तों चेंज हो जाएंगे और दोस्तों आप उन्हें अपने मन मुताबिक चेंज कर सकते हो। या दोस्तों आपको वहाँ पर कई सारे ऑप्शन मिलेंगे, आप उनमें से कोई सा भी नेविगेशन के यूज़ कर सकते हो और अपने फ़ोन को एक अच्छा लुक दे सकते हो। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपने अगर हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबाना जिससे मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों मैं चलता हूँ आपको मोबाइल स्क्रीन पर और आपको पूरा प्रोसेस एकदम लाइव दिखा। दोस्तों देखिए नॉर्मली दोस्तों ये फ़ोन होते हैं उनमें इस तरीके से नेविगेशन के आते हैं जो कि दोस्तों देखने में काफ़ी ओल्ड से लगते हैं क्योंकि यही दोस्तों जो बटन होते हैं जो हर फोन में हमें देखने को मिलते हैं सैमसंग के में। दोस्तों आप इन्हें कैसे चेंज कर सकते हो, इन्हें दोस्तों आप कैसे अच्छा लुक दे सकते हो। दोस्तों इसके लिए क्या करना होगा, आपको दोस्तों जो एप्लीकेशन दिख रही है आपको गुड लॉक जो आपको इंस्टॉल करनी है अपने फ़ोन में गैलेक्सी स्टोर से। जब दोस्तों आप गैलेक्सी स्टोर में जाओगे तो आपको यहाँ पर दोस्तों सिंपली सर्च बार में टाइप करना है गुड लॉक। जब आप दोस्तों यहाँ पर सर्च करोगे गुड लॉक तो आपको यहाँ पर सर्च कर देना है। तो ये देखिए यहाँ पर ये एप्लीकेशन आ गई है नीचे ये रही। अब आपको इस पर क्लिक करना है तो दोस्तों मेरे में जो इंस्टॉल है तो मेरे में जो ओपन का ऑप्शन आएगा ये देखिए, आपको उसे यहाँ से डाउनलोड करना है। जब आप इसे ओपन करोगे तो यहाँ पर दोस्तों देखिए कई सारे ऑप्शन आएंगे, लॉक स्टार, क्विक स्टार, लॉक फेस, मल्टी स्टार, नेव स्टार। दोस्तों इन सब के अंदर अलग अलग फीचर दिए गए हैं। तो दोस्तों मैं सिर्फ आपसे बात कर रहा हूँ नेविगेशन के दोस्तों ये बटन होते हैं इनकी। तो दोस्तों आपको करना है, आपको दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा नेव स्टार, आपको इस पर यहाँ पे दोस्तों ये डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है देखिए दोनों पर इस तरीके से ऑप्शन आएगा आपको यहाँ पर नेव स्टार पर, तो आपको इसको भी डाउनलोड करना है। डाउनलोड कैसे करना है, जब आप डाउनलोड पर क्लिक करोगे तो आप दोबारा से गैलेक्सी स्टोर में पहुँच जाओगे तो आपको डाउनलोड हो जाएगा, फिर आपको बैक आना है। तो फिर आपको इसी जगह पर आना है और इसे ओपन करना है। तो दोस्तों देखिए इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है बटन और स्वैप जेसर, यानी कि आप किस तरीके का फ़ोन यूज़ करते हो। आप अगर जेसर वाला यूज़ करते हो तो जेसर के ऑप्शन आएंगे, बट दोस्तों काफ़ी लोग करते हैं बटन वाला। तो यहाँ बटन के बारे में बात कर रहा हूँ नेविगेशन के बारे में। तो आपको सबसे पहले से यहाँ से इस फंक्शन को ऑन कर देना है। जब से ऑन करोगे तो दोस्तों देखिए यहाँ पर कई सारे जे डिज़ाइन आ रही हैं। तो दोस्तों देखिए मैं आपको लगा के दिखाता हूँ, मेरे में दोस्तों पहली बार लगी हुई है तो देखिए जी मेरे में पहली बार लगी हुई है दोस्तों। तो आप जब इसको यूज करोगे तो दोस्तों देखिए इस तरीके से बटन आएंगे जो दोस्तों देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं, प्रीमियम लगते हैं, जो हमें ज़्यादा दोस्तों और ब्रांड देती है जैसे AMI देती है दोस्तों और वन प्लस वगैरह देते हैं। आप चाहो तो इनमें से और कोई सा भी यूज कर सकते हो, आप चाहो जे वाला कर सकते हो, देखिए चेंज हो गया नीचे, आप चाहो जे कर सकते हो, आप जो भी यूज करना चाहते हो आप उस हिसाब से कर सकते हो। बट दोस्तों मुझे पसंद है ये वाला, मैंने इसको ट्राई किया। अब दोस्तों नीचे ऑप्शन आएगा ये देखिए जी लिखा हुआ आ रहा है दोस्तों यहाँ पे शो एंड हाइड बटन। दोस्तों इसमें क्या मतलब है, इसमें ये मतलब है कि जब दोस्तों आप इसको ऑन कर देते हो तो आपके दोस्तों जो बटन है हाइड हो जाएंगे अगर आप किसी भी एप्लीकेशन के अंदर होते हो तो, बट जब आप मेनू में होते हो होम स्क्रीन पर तब दोस्तों ये शो होंगे। तो मैं इसे ऑन कर देता हूँ, ये देखिए अब जो बटन यहाँ से ऐड हो चुके हैं। अब दूसरा दोस्तों ऑप्शन यहाँ पे आ चुका है ऑटोमेटिकली शो ऑन होम स्क्रीन, यानी दोस्तों आपके जो बटन है अगर आप होम स्क्रीन पर भी ऑफ रखना चाहते हो तो आप इसको इनेबल कर सकते हो, यहाँ से इसे बंद कर दो, बट दोस्तों होम स्क्रीन में मुझे चाहिए। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे बटन कैसे आएंगे यूज़ करने के लिए, तो आपको क्या करना है नीचे स्वाइप करना ऊपर की तरफ। दोस्तों बटन देखिए यहाँ पर आ चुके हैं। दोस्तों काफ़ी अच्छा फीचर है ये क्योंकि अब हमारी डिस्प्ले पूरी हो चुकी है, बटन नहीं दिख रहे। जब आपको बटन को यूज करना हो तब आप यहाँ से ऊपर करके इस तरीके से यूज कर सकते हो। तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छा फीचर है जो नेव स्टार नाम से गुड लॉक के अंदर आपको देखने को मिलेगा। अभी देखिए होम स्क्रीन पे मैं आ चुका हूँ तो यहाँ पर बटन शो हो रहे हैं, बट जैसे ही दोस्तों मैं किसी एप्लीकेशन के अंदर जाऊँगा, चाहे दोस्तों कोई सी भी एप्लीकेशन हो, अब JioSaavn देख लो, जैसे ही इसके अंदर मैं आऊँगा वो दोस्तों ऑटोमेटिकली बटन यहाँ से ऐड हो चुके हैं। अगर मुझे यूज करना होगा तो मुझे यहाँ से स्वाइप करना है, तीनों बटन आ चुके हैं। दोस्तों इस तरीके से आप अपने नेविगेशन बार के को यहाँ से चेंज कर सकते हो किसी भी सैमसंग के डिवाइस के अंदर। वैसे दोस्तों जो फीचर है ये हर डिवाइस में सपोर्ट नहीं करता ये गुड लॉक वाला ऑप्शन,
दोस्तों जो सपोर्ट कर रहा है A52 और A72 में। तो अगर आपके पास इन दोनों में से कोई सा ही फ़ोन है तो आप इस फीचर को यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि कैसे आप अपने मोबाइल के नेविगेशन के बार को चेंज कर सकते हो और उन्हें दोस्तों एक अच्छा लुक दे सकते हो। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, और अभी तक आपने हमारे इस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए बार बार लेके आता रहता हूँ। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।